हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ट्राउज़र की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर कई कटिंग की वीडियो डाली हैं, जो कि आपने बेहद पसंद की हैं। तो ये और भी ज़्यादा आसान तरीका लेके आई हूँ, आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इस कपड़े को मैंने पहले से प्रेस कर लिया है। जब भी आप कोई कटिंग करें तो उससे पहले कपड़े को प्रेस कर लें, ताकि उस कपड़े में कोई भी सल ना रहे और हमारी कटिंग बहुत ही इजी हो। तो यहाँ पर ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है। बाकी कपड़े को आप इस तरह से साइड कर दीजिए और इस कपड़े को हम इस तरह से यहाँ पर बिछा लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका जो एक्स्ट्रा है, यानी कि जो तिरछा कपड़ा है, उसकी साइड में निशान लगा लीजिए। ये देखिए, जैसे कि मैंने लगाया है यहाँ पर ये निशान, इस तरह से स्केल से आप इस कपड़े को सीधा कर लीजिए। और जो उसके बाद सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे हम अपने बेल्ट का निशान, जो कि लगाएंगे हम 2 इंच। तो आप 2 इंच बेल्ट का निशान लगा लीजिए, चाहे तो आप उसमें इलास्टिक डालिए और या आप नाड़ा। तो आप 2-2 इंच पे निशान लगा लीजिए इस तरीके से, और फिर स्केल से इसको आप सीधा कर दीजिए। तो ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया है। थोड़ा कैमरा मेरा साइड हो रहा है, तो हो सकता है आपको ये ठीक से क्लियरली शो ना हो, बस ये हमने इस तरह से सीधा कर दिया है। ये मैं भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जो हम सबसे पहला निशान लगाएंगे, वो अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे कि हमारी ट्राउज़र की जो कंप्लीट लेंथ है वो हमारी कितनी है। बेल्ट हमने फोल्डिंग एरिया तो बाहर एक्स्ट्रा निकाल दिया है। उसके बाद तैयार लेंथ है हमारी 39। तो आप 39 लेके उसमें एक निशान लगा दीजिए। लेंथ का निशान लगा के हमने अपने पूरे, तो हम यहाँ पर फोल्डिंग के लिए भी निशान लगाएंगे उस। तो आप जितनी भी फोल्डिंग रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो मैं रख रही हूँ, तो यहाँ पर ये मैं 2 इंच की फोल्डिंग रख रही हूँ, बट आप 2.5 इंच रखिए इसको। हम 2.5 इंच रखेंगे, 2 इंच नहीं। तो आप ये निशान 2.5 इंच पर लगाइए, क्योंकि 2.5 इंच बुड़ा हुआ थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप इसको 2.5 इंच लीजिए और स्केल से इसको भी हम सीधा करेंगे। देखिए, इस तरह से ये निशान हमारा लग गया है। अब वापस आते हैं हम अपने ऊपर के निशान पर, जो कि अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपने आसन का निशान, और अपने हिप के अकॉर्डिंग ही हमारा निशान होगा। उसके लिए हम पहले अपने हिप को देखेंगे कि हमारे हिप कितने हैं। तो हमारे हिप है यहाँ पर 38 इंच। तो हिप है हमारे यहाँ पर 38, उस हिसाब से हमारा ये निशान लगेगा 9.5 प्लस 1.5 इंच, यानी कि ये हमने लगाया है 13 इंच। 11 इंच पे हमारा ये निशान लगा है। 11 इंच हम यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, तो ये जो हमारा आसन का निशान है, ये भी हमारे हिप के अकॉर्डिंग है और ये भी हमारा 13 इंच है, और स्केल से इसको हमने सीधा कर दिया है। अब एक निशान हम उधर से लगाएंगे और इसको हम सीधा कर देंगे और एक बॉक्स ड्रॉ कर। अब लेंगे हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा आसन के लिए, और ये आसन का निशान हम इस तरह से लगा देंगे। ये आप आइडिया से इस तरह से लगा सकते हैं निशान। तो अब ये टोटल हो गया है हमारा, पहले ये 11 था, तो अब ये 13 इंच हो गया है। 13 का हम हाफ लेंगे, 6.5, इसके सेंटर में यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम। अब एक निशान लगाएंगे हम मोहरी पर, वो भी हम यहाँ पर भी हम ये 13 इंच लेंगे, उसके हाफ लगाएंगे 6.5, यानी 6.5 पर हमने ये निशान लगा लिया है। अब स्केल की हेल्प से हम इसको सीधा करेंगे। ये निशान लग गया है हमारा। अब लेंगे हम अपनी मोहरी का निशान, तो मोहरी रख रहे हैं हम यहाँ पर 6 इंच। तो आप 3 इंच इस साइड निकाल दीजिए इंची टेप, और 3 इंच इधर, इस तरह से आप 6 इंच की
तैयार मोहरी होगी हमारी। और आप ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए सिलाई के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मैंने लिया है एक एक इंच का मार्जिन। आप चाहें तो ये मार्जिन आप हाफ इंच भी ले सकते हैं। अब इस ऊपर से आसन के निशान को और नीचे कटिंग वाले निशान को हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। इस तरीके से अब इसी स्केल को हम उल्टा करेंगे और एक निशान हम यहाँ पर ये लगाएंगे। इस निशान को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा निशान लग गया है। अब स्केल से हम ये लाइन को इस नीचे तक स्ट्रेट कर देंगे, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। ये हमारी फोल्डिंग का निशान है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान लग गया है। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है इस तरीके से। तो अब ये वाली हम कटिंग कर लेते हैं, ये जो हमने साइड में निशान लगाया था। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से हम अपना कपड़ा यहाँ पर ये बिछा लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम अपना फ्रंट पार्ट। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ पर इस तरह से बिछा लेंगे और ऊपर लेंगे हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, जो कि हम अपने तिरछे निशान के लिए लेंगे। और तिरछा निशान हम ये इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा खिंचाव जो बैक साइड पर आता है झुकते टाइम वो ना आए। इतना हमने यहाँ पर ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है। और ये वाला जो हमारा निशान है यहाँ पर हम ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट से 2-2 इंच। और अगर आप कोई हेल्थी है तो आप इसको 2.5 से 3 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम ले रहे हैं 2-2 इंच के निशान है, तो हम ये 2 इंच पर ये निशान लगा रहे हैं। अब आप इसको स्केल की हेल्प से सीधा करेंगे इस तरीके से, इस निशान को भी, इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे ताकि अब हम ये अपना यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। इसको भी आप इस तरह से हल्का सा तिरछा निशान दे दीजिए, ऊपर से सीधा करेंगे। इस तरह से ये तिरछा निशान लगा रहे। नीचे से भी ले लेंगे हम 2-2 इंच मोहरी के पास से भी। इस तरह से ये 2-2 इंच हमें सभी जगह, वन साइड ही लेंगे ये हम एक्स्ट्रा, जिस साइड हमारा आसन है। अब आसन से स्केल को इस तरह से रखते हुए हम इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देंगे। तो देखिए ये निशान भी हमारे यहाँ पर ये लग गया है, इससे ये हमारा 2-2 इंच एक्स्ट्रा है। अब ये जो हमारा इधर का निशान है इसको हम एज इट इज निशान के ऊपर ही लगाएंगे। इसमें हम कोई भी मार्जिन या एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था, तो इसको हम हटा देते हैं अब और अपने ये बैक पार्ट का निशान लगा देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये है हमारा बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको इसको स्टिच कैसे करते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।